अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की टॉप स्टोरीज पे हम कुछ नज़र डालते हैं। उनके अंदर है आरओपी का सर्विसेज जो सस्पेंड किए उन्होंने, रेजिडेंस कार्ड्स की, पासपोर्ट्स वगैरह की, वो हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फ्लाइट बैन हुआ है फिलीपीन और इजिप्ट का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो दूसरे 10 ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ और लबनान वगैरह, उनका तो ऑलरेडी ट्रैवल बैन है। और उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कोरोना के केसेस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इंपॉर्टेंट बयान जो उन्होंने दिया है रेजिग्नेशन से रिलेटेड। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, मैं खुद तो पाकिस्तानी हूँ लेकिन इस वक्त इंडिया को बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन मशीन्स की और ऑक्सीजन सप्लाई की। सो उसमें जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो किसी भी नेशनलिटी से हों, किसी भी मज़हब से हों, अगर वो सपोर्ट करना चाहें तो एक हम ऐड भेज रहे हैं इंडिया जिसके अंदर ऑक्सीजन मशीन्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं, अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज़ दिल खोल के कंट्रीब्यूट करें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मेरे उनको ज्वाइन करके, और उनमें नंबर भी है 9436-9473, उस पर व्हाट्सएप करें और ज्वाइन करें इस कॉज को। सो सेव करें ह्यूमैनिटी को, क्योंकि इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो टीवी पे फिगर्स वगैरह दिए जा रहे हैं उससे बहुत ऊपर की कहानी है। तो आरओपी ने जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं, नॉर्मल जो सर्विसेज लाइक रेजिडेंस कार्ड से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड हैं, वो होल्ड किए हैं, फ़िलहाल सस्पेंड किए हैं। और जो नॉर्मल आरओपी के काम है, मतलब जो पुलिस के काम, ऑपरेशन पुलिस के, वो जारी रहेंगे वैसे 24 आवर जैसे कि चल रहे होते हैं। तो अगर आपको बताका वगैरह बनवाना है या वीज़ा वगैरह का कोई मसला है या लाइसेंस वगैरह का, तो वो फ़िलहाल नहीं हो सकता, उसके आपको वेट करना पड़ेगा। उसके साथ ही एमओएच ने ये कहा है जितने भी मेडिकल स्टाफ है उसके रेजिग्नेशन जो हैं वो फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मेडिकल स्टाफ के इस वक्त जो आपको पता है फ्रंट लाइन में है इस वक्त और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक अपडेट है एमओएच के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रैवल बैन अपनी जगह पे झुका हुआ है, बल्कि मजीद कंट्रीज़ को उसमें शामिल कर दिया गया है जिसमें इजिप्ट और फिलीपींस हैं। अब वहाँ से भी फ़्लाइट्स नहीं आएंगी ओमान। सदका फितर जो है, फितराना जिसे हम कहते हैं, वो ओमान में अगर आप रहते हैं तो 1.5 रियाल मिनिमम है, लेकिन आप अपनी हैसियत के हिसाब से और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आपको देना चाहिए। तो आप जितना भी देना चाहें, मतलब आप देख लें, खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं, किशमिश के हिसाब से देना चाहते हैं या जो के हिसाब से देना चाहते हैं, वो आपका अपना अपनी तरतीब है आपकी। अच्छा, ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी जो है वो ऑपरेशनल हो गया और उसने भी अपना भी पहला पेशेंट जो है वो कल रिसीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक बड़ा अच्छा एडिशन है ओमान की जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर, ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल की सूरत में। और अगर आप ओमान आना चाहते हैं तो मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, आज मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आप वाया आ सकते हैं। जिन ममालिक की ममनू किया गया है, जिन ममालिक से एंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से और जो दूसरे ममालिक हैं, उनसे, उस मुल्क से दूर रहना है आपको 14 दिन, उसके बाद आप ओमान में एंट्री कर सकते हैं। आप किसी और मुल्क जाएँ, वहाँ आप करंटीना करें, या अगर उस मुल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है करंटीना करने की तो आप वहाँ पर रहें और उसके बाद आप फ़्लाइट लें और यहाँ पर आ जाएँ। ये एक सिंपलेस्ट वे है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और पाकिस्तान जो जाने वाले लोग हैं और जो बांग्लादेश जाने वाले लोग हैं, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो रिड्यूस हो गई है बहुत ज़्यादा, वो अपनी फ़्लाइट्स अपने जो एयरलाइन जहाँ से उन्होंने टिकट्स बुक करवाई हैं उनसे दोबारा से चेक करें और अपना कन्फर्म स्केड्यूल लेके उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें, वरना उनको परेशानी का सामना होगा। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।